जय माता जी, राम राम सीताराम। इधर ही आना कि ये ढोकरा बनाया, हमारे इधर ढोकरा बोलते हैं। कहने ऐसा ढोकरा, ये कच्चा बनाया हुआ है, ये प्याज डालते हैं, गोभी गोभी नहीं, दूधी दूधी इसमें डालते हैं, और प्याज डालते हैं, नमक मिर्ची ऐसे बनाते हैं, और ये गायों का दही है, और इधर ये कच्चा है, और ये वघारेला बोलता है, इन्होंने वघार दिया हुआ है ढोकरी है, ऐसा बनाया हुआ है खाना। इसमें देखो ये वघारते हैं, इधर ये आथणा है, ऐसा ही खाना होता है, और इधर रोटी है, गेहूं की रोटी है, बस दूसरा कुछ नहीं है। किसान को तो यही बढ़िया लगता है सब। इसमें ये सास है, दूध होगा, किसान के घर पे यही होता है सब। तो चलो भाई सब खाना खाने के लिए, ये ना कि चलो। आज की बारिश पूरी तो बंद नहीं हुई है, कम हुई है, ये ना कम हुई है। देखो ये सिंग, ये ना कि सिंग, इसमें 3 बार सिंग लगाया है तो भी बाहर नहीं निकली, इतनी बारिश हुई है। आज हवा तेज चल रही है, हमारे बोल रहा है इधर तूफान है, अभी भी बादल तो छाया हुआ है, हवा भी तेज चल रही है, हवा भी चल रही है तेज। क्या होता है देखे किसान का हाल, क्या होता है वो देखते हैं। देखो ये मर गए, सील इधर 2 रखा है, हमारा सील है, ये बढ़िया मर गया, खूबसूरत आता, बढ़िया होता है ना, अभी तो हिसाब से 4 मंथ के आसपास का। इधर सब काकरे खाना खा रही है, बारिश ने पूरा कर दिया है गाय को, पूरा हाल करके रखा। 1 मंथ और आज 10 दिन हुआ है बारिश में, लगातार बढ़ती भी नहीं और खाना भी ज़्यादा नहीं खाती, कम खाती है, क्योंकि खड़े रहती है डे नाइट, तो पास खाना खाएगी, कोई तकलीफ रहती है। देखो इधर गोबर का ढेर है, और आज कम हुई है बारिश, 1 मंथ और 10 दिन हुआ है, तो ये बारिश ने ऐसा हाल करके रखा है सींग बींग का, सबका ऐसा हाल रखा है, ऐसा है भाई सभी हो ना, किसानों का हाल तो ऐसा ही रहता है। मैं आपको हमारा शहर बताता हूँ, आप वीडियो में बना रहे हैं, जैसे ही हमारी सिंगी 20 की जा रही है, इसमें ये दवाई खड़ वाली घास वाली लगाई थी, तो थोड़ी छोटी है लेकिन है बढ़िया माप, क्योंकि बारिश बहुत हुई ना, ये सिंह ज्यादा होती। देखो हमारे शेर इधर खड़े है ना, शेर खड़े है इधर, लक्ष्मी और अति सुंदर ने ये किसड़ कर दिया था, तो उसको भेज दिया वहाँ फार्म पे, और इधर हमारे दोनों शेर खड़े है ना, शेर खड़े है। ये ऑटोमेटिक खराब हो गया था थोड़ा, उसमें जो घोड़ा आता है ना उल्टा हो गया था, तो पानी निकला हुआ है, तो शेरों के रूम में है, एक खाना खा रहा है, ये सिंह वाला पाला डाल दिया है, ये दोपहर तक खाएगा, और जो इतना बचेगा वो निकाल लेंगे दोपहर पे, दोपहर पे इसको मिलेगा, यानी कि मिलेगा सड़े वाला, यानी कि सड़े वाला। इधर देखो हमारे नंदी महाराज खाना खा रहा है, ये भी तंग आ गया है बारिश, यानी कि तंग आ गया है भीम नंदी, बहुत बढ़िया बढ़िया नंदी है, तगड़ा, इतना छोटा मुख है, इतना बड़ा सिर है, लेकिन बारिश ने पूरा परेशान करके रखा है। देखो इसको सिंह का पाला डाला हुआ है, ये खाना खा रहा है, ऐसा है भाई साहब। किसी को अब देखते रहिए, इधर वीडियो भी घुमाता रहूंगा और बोलता रहता हूँ कि इधर किसी को जाना है तो लंदन है, कनाडा है, यूके में है, लंदन यूके में है, फ्रांस से, फ्रांस में तो कारीगर चाहिए, और कनाडा बढ़िया है, यानी कनाडा में जाने के लिए बढ़िया है, किसी को जाना है तो 20 लाख लगता है, लेकिन है बढ़िया। अभी ये सबकी वर्क परमिट आ रही, और ऑस्ट्रिया वाला की वीज़ा और वर्क परमिट दोनों आ रहा है, तो अब किसी को जाना है तो भाई सब बढ़िया रहता है जाने के लिए। यूके वर्क परमिट को मैं लंदन बोलता हूँ,
जो है ना कि इंग्लैंड, हमारे तो इधर इंग्लैंड बोलते, यूके वर्क पर प्रपोजल टायरम 2-3 वर्ष वर्क वीजा डोमी सिली अर काम करो नर्सिंग पृष्ठभूमि आवश्यक से और पगार से वार्षिक 26,000 पाउंड ना के उसमें होगा 30 लाख के आसपास पगार इधर का, वहाँ का 70,000 पाउंड है और उसमें ओवर टाइम होगा तो भी ज़्यादा होगा, ये लंदन की है, ये वीजा है। अरजदारे इंटरव्यू माटे बेसवानी जरूर से दस्तावेज जरूरी दस्तावेजों सीवी पासपोर्ट सक्रेन फोटा NARICIELTS 55 संतान स्नातक प्रमाण पत्र फोर व्हील ड्राइविंग लाइसेंस उसमें ड्राइवर भी चाहिए और सुकौनी योजना है दस्तावेजों साथ 5,000 पाउंड और COOS पर 15,000 पाउंड और वीजा पर 3,000 पाउंड नॉन क्लाइमेट आरोग्य वीमो टिकट एमबीसी वो सब इसमें आपके पर है। ये यूके वाला लंदन का, तो किसी को जाना है तो उसमें हमारी गारंटी रहती है कि आपको वहाँ काम मिलेगा। उसमें दूसरा है, उसमें तो ज़्यादा कोई पगार नहीं है, ओमानिया है उसमें ज़्यादा पगार नहीं है, मैं उस दूसरा मोबाइल में देख, एक बल्गारिया है उसमें भी जाने के लिए देखो, इसमें ये ज़्यादा पगार नहीं है, ऐसा कोई इसमें देखा ही तो नहीं देगा, ये मैं 600 से 700 है तो उसमें तो नहीं जाना चाहिए। लुथियाना है उसमें सही है, ये लुथियाना कंस्ट्रक्शन अने हेवी ट्रक ड्राइवर है इसमें, आप भी देख सकते हैं, मैं लुथियाना का बोल देता हूँ, लुथियाना कंस्ट्रक्शन अने हेवी ट्रक ड्राइवर उसमें 6,50,000 चाहिए भाई लुथियाना में, किसी को जाना है ना तो एक इसमें कड़िया भी चलेगा कलर वाला, वो भी यूरोप का दे है लुथियाना भी, उसमें 6,50,000 है, ज़्यादा नहीं। उसमें चाहिए सैलरी 1200 से 1500 यूरो होगा कंस्ट्रक्शन में और हेवी ड्राइवर में पगार 1500 यूरो पहला महीना और दूसरा महीना 1800 यूरो और तीसरा महीना 2000 यूरो मिलेगा और आपको एकोमोडेन मेडिकल ट्रांसपोर्ट पोटेशन रहवानू कंपनी आपसे जमवानू जाते बनावन रहे। इसमें 6,50,000 है, उसमें उम्र है 21 से 45 साल, उसमें ट्रक ड्राइवर चाहिए भाई साहब, इसमें ट्रक ड्राइवर और कंस्ट्रक्शन लुथियाना है और मेरा मोबाइल नंबर है 9825205 38। नाम है मेरा राम भाई सिसोदिया, गांव कुणोदर है, तहसील पोरबंदर, जिलो भी पोरबंदर। और दूसरा है कि इसमें हंगेरी, हंगेरी में भी बढ़िया काम है, 6,50,000 है, उसमें सैलरी है 1,000 यूरो, रहवानू मेडिकल ट्रांसपोर्टिंग एकोमोडेशन कंपनी आपसे जमवानू जाते करवन रहे से, प्रोसेसिंग टाइम से थे 7 मंथ, उम्र से 21 साल से 45 साल, 21 से 45, मात्र पुरुषों ये ऑफर लेटर में आल से ऑफर लेटर में लिख के आएगा 600 से 750 यूरो लखेलूँ आवश्य, पेमेंट रजिस्टर 1,00,000, ऑफर लेटर 1,00,000 और वर्क परमिट 1,50,000, बाकी ना वीजा पसी, उसमें 6,50,000 ही है हंगेरी में। ये भी बढ़िया है, किसी को जाना है तो भाई साहब क्या ना हंगेरी बढ़िया है और एक कैनेडा भी है ना, कैनेडा में ये इसमें कैनेडा है, देखो आप भी देख सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है गुजराती होगा तो पढ़ भी सकता है। मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, टूटी फूटी हिंदी बहुत बुरा तो नहीं जानते। कैनेडा वर्क परमिट है, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लायंस इंस्टॉलर वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव फ्रिज प्लेंड वॉशिंग मशीन वगैरह चित्रकारो इलेक्ट्रिक, पगार इसमें बहुत बड़ा है, पगार है आप भी इसमें देख सकते हैं, मैं बताता हूँ आप इसमें पगार देख सकते हैं, पगार से 25 CAD प्रति कलाक से शुरू थाय से, 1 वर्ष माटे लघुतम करार, खोराक 100 खर्च माटे, आवास वो भी खाओ 100 खर्च माटे और उसमें आवास खर्च सरेराश
दर महीना नो लगभग CID 580 हो सके, वसी खाना पीना सब इसमें कनाडा में 500 रुपया के आसपास खर्चा आएगा। इसमें बहुत 1500-1600 के एक घंटे का पगार है भाई साहब, कनाडा किसी को जाना। और उसमें गारंटी वाला नौकरी मिलता है, एक वर्ष की वीजा मिलती है उसमें, काम नो सथड़ कहाँ भी हो सकता है, काम नो सत्थान काम कनाडा में गमे त्या हो सके, कनाडा में गमे त्या हो सके, कहाँ भी हो सकता है काम। एक वर्ष पसी तो वधु एक वर्ष माटे कॉन्ट्रैक्ट लंबावी सके। तो कनाडा में 20 लाख है। और दूसरा तो आप किसी को जाना है तो फोन करना, मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणवदर है, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर है, है ना, जिला भी पोरबंदर, रोमानिया में है, है ना, रोमानिया में, लेकिन उसमें पगार ज़्यादा ज़्यादा नहीं है ना, इसमें रोमानिया 3000 पगार है तो उसमें तो नहीं जाना चाहिए, ये ना इसमें तो ज्यादा नहीं। ये फ्रांस में एक बढ़िया है भाई साहब, फ्रांस में है, फ्रांस बांधकाम कामदारों, भारत नेपाल बांग्लादेश मात्र पुरुष, वेल्डर्स मेंसन टाइल मेंसन प्लास्टर शटरिंग कारपेंटर क्रोकरीट वर्कर, उम्र उसमें है 21 साल से 45 साल, और उसमें पगार है एक घंटे का 9 यूरो और 1800 से 2000 तक आपको मिल सकता है, और ओवर टाइम अलग, आवाज पूरी पड़वा में आवेल से, परिवहन पूरी पड़वा में मांडवा पूरी पड़वा में आएगी, और खोराक दिवस में 2 बार आपको खाना मिलेगा। कामनो स्थान पेरिस तुलजन ट्राइस बोर्गन बोर्केस, और कुल कीमत है इसमें 8 लाख, और उसमें देना पड़ेगा आपको पहले 1,50,000 वीजा फी और 2 लाख वर्क परमिट आएगी तब, उसके बाद तो क्या होगा मेरे को पता नहीं, आपको बता देंगे। 8 लाख है टोटल इसमें, लेकिन ये फ्रांस में भी बढ़िया पगार है, आप किसी को जाना है आप इसमें पढ़ भी सकता है गुजराती होगा तो। और दूसरा मैं ऑस्ट्रेलिया का भी है वो बताता हूँ, हंगेरी है उसमें तो जाने के लायक नहीं है, हंगेरी में तो स्लोवाकिया है वो तो पूरा हो गया, मैं आपको थोड़ा ढूंढ के बताता हूँ, आप थोड़ा बेलो देखिए, बल्गेरिया भी है उसमें कोई ज्यादा है, कनाडा वर्क परमिट है लेकिन इसमें कहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, मैं थोड़ा आपको बेल देखिए राम लखन, मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ इसमें। तो साहब भाई साहब किसी को जाना है तो फ्रांस से लंदन है कनाडा है, बहुत बढ़िया है, इसमें पगार भी बढ़िया है, वो तो 12-13 देश में हमारी एजेंसी काम कर रही है, लेकिन हर देश में तो जाने के लायक नहीं है। किसी को जाना है तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर है, और गुजरात भारत में, अब कोई भी हो सकता है तो बोल सकता है ऐसा। इसमें कनाडा वाला अभी बहुत लिख के भेजा हुआ है तो मिलता नहीं है ना, कि इसमें हमारी एजेंसी हो विदेश में है, और 12-13 देश का काम करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा मिलने में दिक्कत आ रही है, बहुत देश का लिखा हुआ है इसमें। तो ऐसा है भाई साहब, वरना का मैं आईफोन में कल डाला था वो बताता हूँ। हाँ, इसमें ये ऑस्ट्रेलिया है जो ये इसमें लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्किंग वीजा ई वीजा प्रोजेक्शन कॉमर्शियल क्लीनर, दर महीने ओसा मोसा 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी पगार, अर्जी करवा माटे दस्तावेज PCC नकल ऑटो संपर्क विगतो CV, अर्जी माटे एडवांस, इसमें तो ज़्यादा लिखा हुआ है, 2 लाख 20 लाख लिखा हुआ है। तो ये कनाडा में भी है, ये ना का नहीं, ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया काम है, इसमें 20 लाख लगता है, ऑस्ट्रेलियन वर्क वीजा
ई वीजा प्रोजेक्शन कॉमर्शियल क्लीनर दर महीने ओसा मोसा 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी पगार अरजी करवा माटे दस्तावेज पीसीसी नकल फोटो संपर्क विगतों साथे सीवी अरजी माटे एडवांस 2,000 होगा उसमें तो लिख दिया और ज़्यादा 2,00,000 होगा प्रक्रिया समय एडवांस अने दस्तावेजों प्राप्त थिया पसी अने फाइलो डाउनलोड थिया गया पसी वीजा माटे राह जोवानो समय अथवा उम्मेदवारों पहला ने अरजी करी होय खोटू बोलिया होय तो इनकार नॉन सरलास 45 दिवस हो परंतु 4 महीना सुधी हो सके वीजा पसी चुकवणी 19,00,000 रुपया उम्र 21 से 45 स्थान सिडनी खाली जगह संख्या 25 आदमी पुरुष स्त्री बने सलेगा इसमें तबीबी परीक्षण जो तेव प्रक्रिया करती वक्त विनंती करे सामान्य रीते कोई जरूर नहीं वीजा समयगाड़ो 1 वर्ष नवीनतम तापमान पगार नवीनतम पगार 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भोजन नहीं रहन नहीं उम्मीदवार द्वारा फ्लाइट टिकट ऐसा है भाई साहब इसमें ऑस्ट्रेलिया में उसमें भी किसी को जाना है तो बढ़िया है तो ऐसा है भाई साहब हमारा राम लखन आपने देख लिया हमने ये बता दिया तो ऐसा है बारिश बंद हुई है जो अभी भगवान की दया से बंद हो जाए हमारी तरफ और जहाँ बारिश नहीं है वहाँ जाएगी तो बढ़िया रहता है देखो ये इधर भी ये मक्खी और मच्छर मारने वाला रखा देखो ये दोनों भाई का प्यार बहुत बड़ा रहता है ये एक को ले जाएंगे ना तो कोई कोई लोग हमारे को बोलता था राम भाई इसका नाम तो लव और कुश रखना चाहिए कि लव कुश का माँ भी एक थी बाप भी एक तो मैं बोला ये उसका प्यार राम लखन जैसा ही है और उसका नाम भी राम लखन ही था एक को इधर से यहाँ से लेके आप जाएगा ना तो दूसरा पागल जैसा हो जाएगा इधर एक को इधर रखेंगे आप और दूसरे को दूसरी जगह पर कहाँ इधर उधर ले जाएंगे ना तो इतना गुस्सेल हो जाता है इतना आक्रमक हो जाता है कि मेरा दूसरा भाई किधर गया इसको आप 1 घंटा भी अलग नहीं कर सकते दोनों को इतना मिलजुल के रहता है देखो एक खुला ही रहता है ना बेलो झगड़ा भी करता है ये कभी झगड़ा नहीं करता देखो दोनों साथ में पास पास में खाना खाते क्योंकि इधर भी खाना पड़ा है बड़ी कमाई है 8 फुट की है तो खाना इधर पड़ा हुआ है पर लेकिन खाना दोनों पास पास में है देखो ऐसा प्यार तो हर बैल में भी नहीं होता और मनुष्य भाई में भी नहीं होता एक पानी पिएगा तो दूसरा पिएगा दोनों खाएगा तो दोनों खाएगा दोनों नहीं खाएगा दोनों नहीं खाएगा देखो क्योंकि इतनी दूरी है वहाँ कहाँ ज़्यादा दूर है ये इतना ही दूर है इधर खाना दोनों ने खा लिया है आधा सिंह का पाला इधर पड़ा हुआ है आप भी देख सकते देखो इतना प्यार है क्या ना कि ऐसा प्यार तो राम लखन ही कर सकते हैं और उसका नाम सही रखा था पंडित ने वो पंडित है जहाँ इसका जन्म हुआ ना वहाँ पंडित है तो पंडित ने इसका नाम भी रखा वो सही है क्या ना राम लखन 1 घंटा भी ये अलग नहीं हो सकता तो राम लखन का ऐसा था कि दोनों भाई अलग नहीं रह सकते थे हमारे राम लखन नाम सही है बढ़िया है और हर किसान को बैल रखना चाहिए तो ये आवारा जो घूम रहा है बैलों वो घूमेगा नहीं और गाय काटने वाला का डीजल भी नहीं सेल होगा और हर किसान को बैल रखना और जमीन है हमारे इधर बोलते हैं पवित्र पहले आपका गुरु माँ होती है और दूसरा गुरु ये जमीन क्योंकि जन्म देने वाली माँ आपको दूध पिलाती है 1 साल लेकिन ये 100 साल आपको खाना खिला दे आपका परिवार का सबका देखो कोई लड़का आ रहा है तो गुस्सेल हो गया है दिख रहा है शहर जैसे दिख रहा है इधर से लड़का जोगाड़ लेकर आ रहा है ना तो देखो शहर जैसे दिख रहा है हमारा खाना आ रहा है ये छोड़ दिया पाला देखो वहाँ जाएगा सामने ना उधर जाएगा सामने ये इधर खाना लेके आ रहा है ना इधर ये खाना लेके आ रहा है इसका जोगाड़ तो देखो इधर ही आएगा हाँ अलग अलग देखो ये अलग अलग रखना पड़ता है ना कि दोनों एक में एक थाली में खाने लगते हैं या ना अलग अलग रखेंगे ना तो ठीक है ना कि ये एक में ही खाने लग जाते हैं तो इतना प्यार है इसका धर्मुल्हन वीडियो हम नग आईफोन ऐसा है भाई सब दोनों को सुबह भी जोगाड़ मिलते हैं देखो इतना इसमें मिलता क्या जोगाड़ में है वो भी मैं बताता हूँ उसमें बाजरी है सणे है
जौ है, मूंग है, अड़द है और गुड़ है और सिंग का तेल और सरसों का तेल। ज़्यादा नहीं देते अभी खड़ा है तो, मेरे हिसाब से 2 केजी के आसपास ही होगा, 2-2 केजी, और शाम को भी 2-2 केजी इसको मिलेगा दोनों को, क्योंकि इसमें खेत में सलना है। नंदियों को नहीं देते क्योंकि इसको तो खाना रह के इधर ही खड़ा रहना है, इसको कोई खेत में नहीं चलना, इधर ही खड़ा रहना है। तो ऐसा है भाई साहब, हमारे राम लखन को आशीर्वाद बढ़िया देना, और कोई देश में आपको जाना है तो भी आप फोन करना, मेरा नंबर है 9825205389। तो ऐसा है, राम भाई सिसोदिया नाम है। उसमें क्या क्या कागज चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, लिविंग सर्टी, मैरिज सर्टी और पासपोर्ट। मैरिज होगा तो मैरिज सर्टी चाहिए, नहीं चाहिए। तो ऐसा है भाई साहब, जय माता दी।